जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये दाल भीग चुकी है, 2 घंटे भिगोई है दाल। और अभी दाल वगैरह पिस रही है, मसाला पिस रहा है, ये प्याज टमाटर और हरी मिर्ची पीसी हैं और ये दाल पिस रही है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं और आगे की रेसिपी क्या क्या करेंगी मम्मी। ये मम्मी ने हरी मिर्ची और हरा धनिया काटा है दाल में मिक्स करने के लिए, जो पकौड़े बनाएंगी जिसके। आज मैं बना रही हूँ खाना मूंग की दाल की मंगोची, आज मैं बना रही हूँ। और मैं ये डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन है। अदरक लहसुन ना हम लोगों ने फ्रीजर में रखा हुआ था ना, तो जम गया था, तो इसलिए मैंने छुरी से काट के निकाला है इसको। बाकी बर्नी में तो कलर में दिखाया था कि खाली हो गया था। अदरक लहसुन थोड़ा सा तेल में भूनने के बाद मम्मी मसाला डाल दिए, टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची पीसी हुई। प्याज टमाटर और हरी मिर्ची पीसा। आज हम लोग पहली दफ़ा मम्मी की रेसिपी आप लोग से शेयर करें, क्योंकि मंगोचियाँ मम्मी ही बनाती है, ना मैं बनाती हूँ ना अनम बनाती है। और ये अब इसकी होगी भुनाई खूब अच्छी तरह। और ये मसाला उड़ेगा भी बहुत, क्योंकि ये वाला मसाला उड़ता बहुत है, छींटे उड़ती हैं इसकी। तो ये अभी इसको लगेगा टाइम भुनने में, और नमक को जब भी सूंघ के डालो तो नमक तेज़ नहीं होता कभी भी ना किसी चीज़ में। ये पहले नमक डाला है, कुटी हुई मिर्च, दो चमचे, ये है हरी मिर्च कटी हुई और ये है हरा धनिया कटा हुआ, आधा इसमें डालूंगी, आधा ऊपर से सालन में डालूंगी। मर्जी आपके, आप बेसन में डालना चाहें डालने, नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्जी। वैसे सब मसाले में डलेगी हल्दी, तो करूंगी मिक्स। और आप देख रहे होंगे मैं उल्टे हाथ से करूंगी, मेरा उल्टा हाथ ज़्यादा चलता है, मैं उल्टे हाथ। मसाला भून रहा है इसका, तेल छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए मसाले में, अब इसमें मम्मी मसाले ऐड करेंगी, हल्दी, पिसी मिर्च गई, दो चमचे, और आपकी मर्जी है, आप हल्का तेज जो भी खाना चाहें वो आप लोगों की मर्जी है। पकी तबीयत सही नहीं इसलिए आजकल ज़रा हल्की मिर्च का खाना खाया जा रहा है, तो इसलिए मैंने कम डाली है मिर्ची। और ये जायका मैंने 1.5 चमचा डाला है, कम रहेगा तो आगे डाल देंगे सब लोग। जी भुनाई, तो देखिए मसाले में, मसाले डालने के बाद इसका कलर कितना चेंज हो गया। अब जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें गुआव रखेंगे हम, उसके बाद पकौड़े तलेंगे, इधर पकौड़े तलेंगे। चल आगे। जी फ्रेंड्स, ये इसमें जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा, और इधर मम्मी डाल रही है पानी मसाले में। अभी बिल्कुल भुन गया मसाला, और अभी इसमें करेंगे लुआब है, जी दोस्तों। तो देखें ये पकौड़े डले हुए हैं और इधर मसाला भी तैयार हो रहा है, तो जब ये पकौड़े तैयार हो जाएंगे तो डायरेक्ट इसमें डलेंगे। इसमें घी थोड़ा कम रखा है मैंने, ये पकौड़ों का घी थोड़ा सा गर्म गर्म ऊपर से डालूंगी। तो बाकी सालन रेडी होगा तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो देखिए पकोड़े हमारे हो गए हैं रेडी, और अम्मी डालनी है सालन में। ये देखिए सालन में पकोड़े डाल दिए हैं और शोरबा बिल्कुल रेडी है। हरा धनिया, ये हमारी हंडिया हो गई है तैयार, और अब मैं अपना काम करूंगी, इशा की नमाज पढ़ूंगी, कुरान पाक पढ़ूंगी बस। जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और ये अब हम लोग बस अपना काम काज करके बिस्तर में लेटेंगे, बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा।